हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको लेके चलेंगे ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में एक टॉप सेक्टर आज आपको दिखाएंगे, ग्राउंड पे भी लेके चलेंगे, दिखाएंगे किस तरीके का डेवलपमेंट है और मैप पे भी पहले थोड़ा क्लियर करेंगे कि किस तरीके से हम ग्रेटर नोएडा में डेल्टा वन सेक्टर पहुंच सकते हैं, क्या क्या साइज के आपको यहाँ पे प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे, किस तरीके का यहाँ पे डेवलपमेंट है, किस तरीके की कनेक्टिविटी है, अगर हम मेट्रो से आते हैं तो किस तरीके से हम डेल्टा वन सेक्टर पहुंच सकते हैं, क्या रेट है आज के टाइम पे अगर हम प्लॉट खरीदना चाहें, जैसे छोटे और बड़े साइज सभी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे और मौके पे भी आपको लेके चलेंगे, वहां का भी डेवलपमेंट दिखाएंगे। तो ये है ग्रेटर नोएडा का मास्टर प्लान। पहले हम इसमें एक बार देखते हैं कि अगर हमें डेल्टा वन सेक्टर पहुंचना है तो किस तरीके से हम पहुंच पाएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये है नोएडा एक्सप्रेसवे। अगर हम नोएडा या दिल्ली साइड से आ रहे हैं इस तरीके से, इसी के साथ साथ मेट्रो लाइन है, ये परीचौक है हमारा, जो परीचौक एक मेन जगह है ग्रेटर नोएडा में। अगर हम परीचौक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद इसी तरीके से मेट्रो लाइन जा रही है, इस पर हम चलते हुए ये आपका डेल्टा वन सेक्टर है। इस तरीके से हम परीचौक से डेल्टा वन सेक्टर पहुंच सकते हैं। 3 किलोमीटर के आसपास आप डिस्टेंस देखेंगे परीचौक से और डेल्टा वन सेक्टर का। यहां से मेट्रो लाइन भी है तो कनेक्टिविटी काफी अच्छी है, आप मेट्रो लाइन से भी जा सकते हैं। आप लोकल कोई व्हीकल से आना चाहते हैं, जैसे कि ऑटो वगैरह, बस वगैरह की सुविधाएं भी यहां पे अवेलेबल है। इजीली आप परीचौक या और जगह आप जाना चाहते हैं नोएडा दिल्ली इस तरीके से, तो वो इजीली आप यहां से आ जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी लोकेशन है जो डेल्टा वन सेक्टर की है। अब हम देख लेते हैं, एक बार चलते हैं डेल्टा वन सेक्टर का जो मैप है, जो प्लान है, किस तरीके से वो प्लान है, एक बार हम वो देख लेते हैं। तो आप देखेंगे आपको इसमें काफी ब्लॉक जो है वो देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि आपको इसमें ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इस तरीके से ब्लॉक देखने के लिए मिलेंगे। रोड की अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको चारों तरफ काफी बड़े बड़े रोड जो है वो देखने के लिए मिलेंगे इसमें। जैसे कि एक साइड में आप देख रहे हैं, ये आपका 60 मीटर का रोड है और इधर आपका ये देखेंगे तो आपको अल्फा टू सेक्टर जो है वो देखने के लिए मिलेगा, और ये डिवाइड करते हैं अल्फा टू सेक्टर और अल्फा वन सेक्टर को जो डिवाइड करती है, 60 मीटर की रोड है ये, सीधा परीचौक से जो रोड आ रही है जो मेट्रो के साथ साथ है, 105 मीटर का ये रोड है जिसपे मेट्रो लाइन भी है। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे तो आपको काफी कॉमर्शियल जो है प्लॉट्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, जैसे अल्फा वन की पूरी एक कॉमर्शियल बेल्ट है उसी तरीके से ये आपको कॉमर्शियल बेल्ट जो है वो देखने के लिए मिलेगी अल्फा वन सेक्टर में। इधर आप देखेंगे तो आपको 80 मीटर का रोड देखने के लिए मिलेगा जो सेक्टर 16 को डिवाइड करता है इस तरीके से, और इधर भी आपको 60 मीटर का रोड देखने के लिए मिलेगा। अंदर आपको इसमें प्लॉट की अगर हम साइज की बात करें तो आपको यहाँ पे 60 मीटर, 120 मीटर और 200 मीटर के साइज जो है वो देखने के लिए मिलेंगे इस तरीके से। यहाँ पे आपको स्कूल भी देखने के लिए मिलेगा, देख सकते हैं आपको स्कूल भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और बाकी वो सुविधाएं भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। अब हम चलते हैं ग्राउंड पे और देखेंगे किस तरीके का डेवलपमेंट है, क्या प्राइस वगैरह है, वो सब हम ग्राउंड पे चल के देखते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं ग्राउंड पे। तो अभी हम आ गए हैं डेल्टा वन सेक्टर। ये डेल्टा वन सेक्टर का मेट्रो स्टेशन है जो सीधा परीचौक से लाइन आ रही है, और ये वो कॉमर्शियल प्लॉट है जो हमने आपको दिखाए थे, 105 मीटर का जो रोड है उसके साथ साथ जो कॉमर्शियल बड़ी मार्केट है, आने वाले भविष्य में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इसको डेवलप आप देखेंगे। ये गेट है जो 105 मीटर का रोड है, उधर की साइड से ही ये गेट है, तो डेल्टा वन सेक्टर हम गेट से एंट्री करेंगे। ये 18 मीटर का रोड है। रोड के साइज की अगर हम बात करें डेल्टा वन सेक्टर में, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको जो मेन रोड है जो सभी पॉकेट को कनेक्ट करती है, सभी ब्लॉक को कनेक्ट करती है, वो 18 मीटर की रोड देखने के लिए मिलेगी। और जो अंदर की रोड है, जो चाहे किसी भी साइज का प्लॉट है, अगर आप अंदर की रोड देखेंगे तो वो सभी आपको 12 मीटर की रोड देखने के लिए मिलेंगी। वो भी रोड हम आपको दिखाएंगे और सेक्टर में अंदर दिखाएंगे कि किस तरीके का डेवलपमेंट है, किस तरीके से लोगों ने घर बना रखे हैं, कितने लोग रह रहे हैं घर बना के, कितने लोगों ने अभी कंप्लीशन है उनके प्लॉट, तो सभी जानकारी जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें। अगर आप ग्रेटर नोएडा में छोटे साइज का प्लॉट देख रहे हैं तो किस सेक्टर में आप देख सकते हैं, सारी जानकारी आपको दिखाई जाएगी।
तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके के कुछ बेहतरीन मकान भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे प्लॉट के साइज जो है वो सबसे छोटा साइज आपको 60 मीटर का देखने के लिए मिलेगा, जिसकी डायमेंशन होगी आपका 6 मीटर का फ्रंट होगा और 10 मीटर की गहराई उसमें देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद आप यहाँ पे 120 मीटर का साइज देखेंगे, जिसमें आपको फ्रंट जो है वो 8 मीटर का देखने के लिए मिलेगा और जो गहराई जो होगी वो 15 मीटर के आसपास होगी। और थर्ड साइज जो है, जो सबसे बड़ा साइज है, वो आप यहाँ पे 200 मीटर का देखेंगे, जिसका फ्रंट होगा 10 मीटर और गहराई जो होगी वो 20 मीटर आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स की हम यहाँ पे बात करें तो आपको 60 मीटर के जो प्लॉट है वो 1812 प्लॉट टोटल देखने के लिए मिलेंगे। 120 मीटर के आपको टोटल 125 प्लॉट यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। 200 मीटर के आपको यहाँ पे 167 प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे तो 2000 के आसपास यानी कि 1812 प्लॉट आपको छोटे साइज यानी कि 60 मीटर के ही देखने के लिए मिलेंगे। इससे पता चलता है कि छोटे साइज के प्लॉट इस सेक्टर में काफी ज्यादा हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि रोड का साइज की जैसे हम बात कर चुके हैं, सभी के सामने चाहे वो आपका 60 मीटर का प्लॉट है, 120 मीटर का प्लॉट है, या अंदर या 200 मीटर का प्लॉट है, आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे सभी में 12 मीटर का रोड देखने के लिए मिलेगा। ये सबसे अच्छी बात है इस सेक्टर की, क्योंकि छोटे साइज के जो प्लॉट हैं उनके सामने भी आप यहाँ पे 12 मीटर का रोड जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अंदर ही आपको यहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल और मार्केट की जो सुविधा है वो भी देखने के लिए मिलेगी, वो भी आपको वीडियो में आपको आगे दिखाया जाएगा। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं ग्रीन सिटी हॉस्पिटल जो है वो भी आपको अंदर ही देखने के लिए मिलेगा, फैसिलिटी का जो प्लॉट है उसमें। तो सभी तरह की सुविधाएं, जो डेली यूज की सुविधाएं हैं, वो आपको यहाँ पे अंदर ही देखने के लिए मिलेंगी। अगर हम बात करें प्राइस की कि यहाँ पे प्राइस जो है वो किस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो जैसे सबसे छोटा साइज जो है वो 60 मीटर का है, अगर 60 मीटर का हम प्राइस देखते हैं तो आपको यहाँ पे 70 लाख से लेके और 80 लाख के आसपास तक आपको यहाँ पे 60 मीटर का रेट देखने के लिए मिलेगा। हम उस प्लॉट की बात कर रहे हैं जो नॉर्मल, जिसमें खाली कंप्लीशन प्लॉट है। अगर प्लॉट बना हुआ है, उसमें किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन है, चाहे फर्स्ट मंजिल है, सेकंड मंजिल है या फुल कंप्लीट है, उसके प्राइस अलग तरीके से होंगे, जिस तरीके से बना होगा वो उस पर डिपेंड करेंगे। अगर हम बात करें 120 मीटर का, तो यहाँ पे आपको 120 मीटर के प्राइस जो है, प्लॉट के प्राइस वो 1,40,00,000 से लेके 1,55,00,000 के आसपास आपको प्राइस यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम बात करें 200 मीटर के प्लॉट की, तो यहाँ पे आप प्राइस देखेंगे 2,20,00,000 से लेके और 2,50,00,000 तक आपको रेट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे 200 मीटर के। सेक्टर काफी अच्छा है, क्योंकि कनेक्टिविटी के हिसाब से भी आप देखेंगे तो आपको मेट्रो लाइन जो है, मेट्रो स्टेशन डेल्टा वन का, वो बिल्कुल सेक्टर से ही लगा हुआ देखने के लिए मिलेगा। और सीधी आपको परीचौक से भी ज्यादा दूरी नहीं है, 3 किलोमीटर के आसपास इसकी दूरी है। अगर आप वर्किंग हैं दिल्ली, नोएडा साइड कहीं भी, तो आप इजीली आ जा सकते हैं, चाहे आप मेट्रो से आए या खुद के अपने व्हीकल से भी आप इजीली यहां से आ जा सकते हैं, क्योंकि परीचौक की जो कनेक्टिविटी वो आपको पास ही में देखने को मिलेगी। बड़े बड़े काफी अंदर पार्क जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, अच्छी तरीके से डेवलप्ड आपको पार्क जो है वो देखने के लिए मिलेंगे, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे छोटे साइज के प्लॉट होने की वजह से काफी लोग यहाँ पे रहते हैं घर बना के मोस्टली। अगर हम बात करें ओवरऑल, तो आपको 70 से 75% यहाँ पे आप देखेंगे सभी लोगों ने अपने जो प्लॉट है उनमें घर बना रखे हैं, चाहे उसमें कोई रेंट के पर्पज से रह रहे हैं या खुद वो बना के अपना रह रहे हैं। तो आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 75 के आसपास मोस्टली घर जो है वो बने हुए डेवलप देखने के लिए मिलेंगे। सेक्टर काफी अच्छा है, चाहे प्लॉट के साइज छोटे हैं फिर भी रोड का साइज बड़े होने के उससे आपको यहाँ पे काफी अच्छा फील जो है वो होगा। ग्रीनरी वगैरह के लिए पौधे भी आप देख सकते हैं, काफी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यही सब जानकारी थी सेक्टर के बारे में। अगर आपको किसी और सेक्टर के बारे में भी जानना है तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस सेक्टर की भी आपको प्रॉपर जानकारी जो है वो दी जाएगी, चाहे ग्रेटर नोएडा में जिस भी सेक्टर में आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं या आपका ऑलरेडी प्लॉट है आप उसे सेल करना चाहते हैं किसी भी सेक्टर में ग्रेटर नोएडा में, चाहे किसी भी साइज का आपका प्लॉट है आप सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपका प्लॉट सेल करा दिया जाएगा। और आप अगर परचेज करना चाहते हैं किसी भी सेक्टर में आपका प्लॉट है किसी भी साइज का, तो आप हमें वीडियो के जो नंबर हमने प्रोवाइड किए हुए हैं उन पर कॉल करके आप हमें जानकारी दे सकते हैं।
और आप अगर हमारे ऑफिस भी आना चाहें तो हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं। हमारे ऑफिस का एड्रेस जो रहेगा वो परी चौक के आसपास ही है, तो आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं, जिसको आपको फुल एड्रेस जो है उसकी जानकारी आपको वीडियो में दे दी जाएगी, तो आप विजिट भी कर सकते हैं। अगर आप ग्रेटर नोएडा में किसी भी सेक्टर में विजिट करना चाहते हैं रहने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप यहाँ पे चीजें जो है वो देख सकते हैं। चाहे छोटे बजट में भी आप देखना चाहते हैं तो उसमें भी आपको यहाँ पे 6% किसान कोटा आबादी के जो प्लॉट है वो आपको काफी अच्छी अच्छी लोकेशन पे वो देखने के लिए मिल जाएंगे, चाहे नियर मेट्रो स्टेशन हो चाहे इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास हो, तो आपको 6% किसान कोटा आबादी के भी प्लॉट देखने के लिए मिल जाएंगे। और आप अगर सेक्टर में प्लॉट देखना चाहते हैं रेजिडेंशियल, तो वो भी आपको यहाँ पे प्लॉट जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। रोड वगैरह की जानकारी हम पहले ही आपको, चारों तरफ के जो सेक्टर की रोड है वो काफी बड़ी बड़ी रोड है, आप दो साइड में 60 मीटर का रोड देखेंगे, एक साइड में आप 150 मीटर का रोड, 105 मीटर का रोड देखेंगे और एक साइड में आप 80 मीटर का रोड देखेंगे, तो काफी अच्छा बेहतरीन सेक्टर है। डेल्टा वन सेक्टर नियर आप परीचौक देखेंगे, क्योंकि परीचौक के पास होने की वजह से थोड़े रेट यहाँ पे आपको ज्यादा जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। बाकी मोस्टली इस तरह के जो सेक्टर है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इनमें इसी तरीके के प्राइस जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये मार्केट है जो आपको डेली यूज के लिए अगर कुछ भी आपको परचेज करना है तो वो आप इजीली यहीं से परचेज कर सकते हैं, आपको कहीं सेक्टर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जो डेली यूज की जो भी जरूरतें हैं वो आपको अंदर ही उपलब्ध हो जाती हैं। तो यही जानकारी आपको वीडियो में देनी थी, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें, और किसी और सेक्टर की वीडियो चाहते हैं तो उसका भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको जल्दी ही वीडियो जो है वो शेयर की जाएगी। जो सबसे अच्छी बात है, एक शोभा बढ़ा देती है सेक्टर की, मंदिर वो भी आपको अंदर ही सेक्टर में देखने के लिए मिलेगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको डेवलपमेंट दिखाया अल्फा वन सेक्टर का, अगर आप किसी और सेक्टर का ग्रेटर नोएडा का डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, वहां की जानकारी चाहते हैं किस तरीके के रेट वगैरह है, तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप अगर ग्रेटर नोएडा में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, चाहे आप 6% किसान कोटा आबादी प्लॉट देख रहे हैं या रेजिडेंशियल प्लॉट देख रहे हैं या किसी बिल्डर की टाउनशिप में प्लॉट देख रहे हैं या इंडस्ट्रियल प्लॉट देख रहे हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पे, किसी भी नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, और आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं। आपको हमारा ऑफिस जो है वो ग्रेटर नोएडा में ही देखने के लिए मिलेगा, परी चौक से एक मेट्रो स्टेशन पहले नॉलेज पार्क 2 का मेट्रो स्टेशन है, जस्ट उसी के पास में हमारा ऑफिस है। हमारे ऑफिस का एड्रेस रहेगा 35 ग्राउंड फ्लोर SNG प्लाजा अंसल गोल्फलिंग 1 ग्रेटर नोएडा। तो आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं और सभी तरह की जानकारी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो ग्रेटर नोएडा या यमुना में इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी भी तरह की प्रॉपर्टी में, या उनकी जानकारी लेना चाहते हैं, उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, जय हिंद जय भारत।